India has won its third medal in the ongoing Paris Olympics. Swapnil Kusale has added the third medal in India's tally by winning a bronze in the men's 50-meter rifle event. So far, India has won 3 bronze medals. This is big news coming in that India has its third bronze medal at this point in time. Swapnil Kusale has added a third medal in India's tally, and shooting has done extremely well in the Paris Olympics so far. Indian men's hockey team is in action also against Belgium in a group stage match. They qualified for the quarterfinals at the Paris Olympics. And later in the day, Nikhat Zareen is also going to have her 50 kg round of the 16 bout in just a few minutes. Swapnil hails from Kambalwadi village in Kolhapur in Maharashtra. He's been competing in international events since 2012. Manoj Joshi, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Manoj Joshi, humse baat cheet karne ke liye aapka shukriya. Bharat ka teesra bronze medal aaya hai. Achhi khabar hai ye. Aur shooting ko agar dekha jaye, Manoj ji, to shooting ne hamesha hi भारत को गर्वांकर किया है, और साथ ही साथ स्वप्निल ने जिस तरीके से आज अपने डिसिप्लिन में ये ब्रॉन्ज दिलाया है वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, बिल्कुल विनीत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार क्वालिफिकेशन में इन्होंने जो निशाने साधे थे, और उसके बाद जब ये फाइनल में पहुंचे तो फाइनल में काफी उम्मीदें इनसे जगी, क्योंकि 50 मीटर थ्री पोजीशन इनकी फेवरेट इवेंट है, और एक ऐसी इवेंट जिसमें आपको जो अलग अलग पोजिशन से निशाने साधने होते हैं, आप नीलिंग पोजिशन पर जब आप घुटना जमीन पर रख के निशाना साधते हैं, फिर आप प्रोन पोजिशन जो लेटी हुई पोजिशन में जब आप निशाने साधते हैं 50 सेकंड में आपको निशाना साधना होता है, और स्टैंड बाई जो एक स्टैंडिंग पोजीशन है जिसमें एलिमिनेशन में भी स्टैंडिंग में इन्होंने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, यानी तीनों में इनका प्रदर्शन बहुत काबिले तारीफ था। पहले जिस तरह से इन्होंने चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी को हराया, बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला था, लेकिन उसके बाद इनकी मानसिक दृढ़ता जो है, मेंटली काफी स्ट्रांग थे, वो इनके बहुत काम आई, और वही यूक्रेन के खिलाफ जो इनका मुकाबला हुआ एलिमिनेशन में, वहां भी इनकी मानसिक दृढ़ता बहुत काम आई, जिसकी बदौलत इन्होंने बहुत सटीक निशाने साधे और कांस्य पदक पर कब्जा किया। एक समय ये नंबर 3 पर चले गए थे और दूसरे स्थान की तरफ नंबर 2 पर चले गए थे, और उसके बाद जो है इन्होंने एलिमिनेशन में भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया। बस एक निशाना था जिसमें इनका निशाना 10.4, और क्योंकि अपोनेंट का इससे बेहतर था, तो वहां से इन्होंने जो है थोड़ी जो चूक हुई थी जिसकी वजह से इनको कांस्य पदक मिला, लेकिन दूसरे स्थान के लिए ये बहुत करीब से चूक गए, क्योंकि दूसरे स्थान पर जो थे यूक्रेन के खिलाड़ी, उनका 461.3 पॉइंट रहे और इनके 451.4 अंक रहे। जी जोशी जी, और साथ ही साथ भारत के अगर मेडल टैली की बात करें तो हॉकी में भी भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है। निखत जरीन, जिसके बारे में हम दोनों ने बिग बाउट में भी काफ़ी कमेंट्री की हुई है, वो अपना 50 केजी का राउंड ऑफ 16 आज लड़ेंगी, तो भारत का ये जो एक जो पूरा समीकरण है ये शायद आज ही थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल, आपने हॉकी की बात की, हॉकी में भारत का मुकाबला इस समय बेल्जियम ओलंपिक चैंपियन से चल रहा है, जहां भारतीय टीम इस समय 1-0 से आगे चल रही है, और ओलंपिक चैंपियन के खिलाफ अगर आप पहला गोल करते हैं तो ये अपने आप में टीम को एक अच्छी खासी स्फूर्ति देता है। आपने निखत जरीन का जिक्र किया जो वर्ल्ड चैंपियन है, 49 किलोग्राम में वर्ल्ड चैंपियन, और उनका मुकाबला उस खिलाड़ी से है जो उनसे अगली वेट कैटेगरी की वर्ल्ड चैंपियन है और वजन कम करके इस वजन में आई है, तो ये मुकाबला दो वर्ल्ड चैंपियनों की भिड़ंत होने वाली है। इसके अलावा जो आज एक मुकाबला पुरुषों के डबल्स का होना है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का, वो मलेशियाई जोड़ी से उनका मुकाबला होना है, और मलेशियाई जोड़ी से भारतीय जोड़ी 8 मुकाबले लगातार हारी थी, उसके बाद 3 मुकाबले लगातार जीती, तो अब जो जीत का सिलसिला जो चला है उसको बरकरार करना, कैरी फॉरवर्ड करना सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। जी, फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।
जोशी जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। Alright, Swapnil Ghusale is making India proud. He's added the third medal in India's tally at the Paris Olympics. He's won a bronze in the 50-meter rifle event. India has three bronze medals so far. There are other disciplines where India is going to be competing today and in the next few days to come, and hoping that this tally is going to increase further. All right, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has completed the aerial survey of the landslide-hit Mepadi Panchayat areas, taking stock of the situation. He issued guidelines directly to the ground officials and chaired a high-level meeting followed by an all-party meeting. Meanwhile, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi have reached Kannur, from where they will